ए व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज खेलने जा रहे हैं हेलो नेबर। हमारे सामने है एक छोटा सा फुटबॉल और हमारे भाई साहब यानी कि हम, ये जो हम है ये दौड़ रहे हैं, ये हम है, जी हाँ। और ये जो है काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, इसको मारना है किक, बट ये किक लगने वाला नहीं है क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए हेलो नेबर। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसका लाइट प्रूफ जो है सो घर का है सिचुएशन, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है सो गेम भी चलता है। मतलब इन चीज़ों को यहाँ पर ग्राफिक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि इससे आगे बढ़ा जाएगा, बट अपने को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने को पहले ही पता था। और भाई साहब यहाँ पे आके बॉल रुक गया है, बट यहाँ पे मैं किक यहाँ पे मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता हूँ क्योंकि अब ये हमारे सामने है। भाई साहब अपने भी प्रो है, देख रहे हो कैसे फुटबॉल को नचा रहे हैं हाथ में। अबे भाई साहब ये शीशा फूटने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, ये आ कहाँ से, सामने वाले घर से आ रहा है। जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी न किसी औरत के साथ कुछ ना कुछ अत्याचार। अंकल जी वहाँ पे हैं, वो अंकल है किसी औरत के साथ कुछ कर रहे हैं क्या? बट ऐसा अंकल जी बाहर भी देख रहे हैं कि कोई हमें तो नहीं देख रहा है, बट अपने ये हैं जो सामने जा रहे हैं, अपने तो प्रो है ना, अपने जाके चेक करेंगे क्या आखिर होता क्या है। बट अपने को शीशा से बाहर अंकल शायद नोटिस कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ हमें भी लग रहा है। ये अंकल जी इसको बंद कर दिए हैं और ताला भी लगा दिए। भाई साहब इसका चाबी कहाँ डाल रहा है, ये चाबी बस देखना होगा ध्यान से। बट अंकल काफ़ी थके हुए डिप्रेशन टाइप में लग रहे हैं, और अंकल ये शायद हमको देख लिए हैं। अब अपने को भागना चाहिए उल्टे पैर पर, अपने हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं था, अपने भाग नहीं सकते थे, और अपने को भी यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। बड़े अच्छे हो अंकल, बट अंदर से हरामी हो। यहाँ पे ये चाबी को रख रहे हैं अंकल, अपने इस चीज़ को देख लिए कि यहाँ पे ऊपर में रेड वाले घर में इस चाबी को यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। अब अपने को क्या है, इस चाबी को ऊपर में आके लेना, और अपने को यहाँ पे आकर छोड़ दिया गया है। अब ये शायद हमारा अपना घर होगा ना, ये काफ़ी प्यारा घर लग रहा है, ये काफ़ी प्यारा घर है। बट सबसे पहले इस चीज़ को विजिट किया जाए। भाई साहब कार्टून 3D कार्टून में जो कहते हैं भाई, काफ़ी शानदार घर है। इस घर का लुक भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे जो शीशा का क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है भाई, काफ़ी क्लियर दिखता है इस चीज़ में। और सबसे अच्छा मुझे इस गेम में अगर लग रहा है तो इसका ग्राफिक काफ़ी कूल है। यहाँ पे बाथरूम है, बट अपने हर चीज़ को ओपन नहीं कर सकते हैं शायद, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। कर सकता हूँ कि हाँ कर सकता हूँ भाई। ये अपना बेडरूम हो गया, अपने इस बेडरूम का कोई अभी काम है नहीं क्योंकि अपने को जो मिशन मिला है उस मिशन पर अंजाम देना है अपने को। ये भाई साहब बेडरूम तो काफ़ी अपने स्मूथ है भाई, गद्देदार है यार, अपने तो ऐसे रियल लाइफ में भी नहीं है, बट हो सकता है। एक मिनट भाई, ये बस खुल जाए, ये गेट खुल सकता है क्या? अबे ये खुल भाई, ये देख रहे हो अपने अंदर का सीन है, बट ये अपने घर का नहीं है, नहीं अपने घर का है भाई। चलो यार यहाँ से निकलो, अपने को इसके ज़्यादा अंदर नहीं देखना। ये अपने नीचे चलते हैं, नीचे चल के थोड़ा बहुत और सीढ़ी के नीचे शायद कुछ था ना, ये रूम है ना, इस रूम को खोलते हैं। अबे भाई दो तीन बार प्रेस करने से खुलता है, यहाँ पे स्टोर रूम टाइप का है, बट अपने को स्टोर रूम से कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। अपने को जो अपना मिशन है ना, अंकल का भी घर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, अपने घर से काफ़ी ठीक ठाक ही है, अंकल का भी घर सेम है पोजीशन पर। गाड़ी काफ़ी कूल लग रहा है भाई, गाड़ी का सीन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में यहाँ पर अंकल आकर ठोके हैं इसको, बट अपने को कोई देख लिया है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि अपना आवाज़ यहाँ पर मुझे लग रहा था ना अंकल जी शायद से आ गए हैं, और ये अंकल आ चुके हैं। बट अपने को इससे पहले अंकल के घर को विजिट भी करना है। ये अंकल जा भी रहे हैं, देख रहे हो अंकल वहाँ पे हैं, अंकल वहाँ पे हैं। हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू आर यू? बट आपको मैं अपने फाइन नहीं रहने दूंगा। यहाँ पे भाई साहब अंकल के घर का मेन सिचुएशन है, बट अपने को ऊपर में इसी घर में जाना है, बट अपने को ये लिफ्ट काम नहीं करता, ये लिफ्ट है बट ये काम कहाँ से करेगा ये किसी को पता नहीं है। ये तार वार सब तो ऊपर में है, बट इस वक्त क्या हम अंदर जा सकते क्या? एक मिनट। मम्मी भाई साहब मैं तो सीधा रूम में आ गया, अंकल के बेडरूम में आ गया यार। अंकल का भी नाइट स्टे का सीन है, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। अबे भाई साहब मैं कहाँ पे आके रुक गया भाई, यहाँ रुकना सही नहीं था अपने के लिए। ये यहाँ पे भी एक ताला लगा हुआ, यहाँ पे ऐसे ताला को खोल नहीं सकते हैं। अपने को गलत सीन में आ गया ना भाई, निकलना चाहिए यहाँ से शायद। अंकल इधर नहीं रहते, ये इधर का अपार्टमेंट पे आप घूम सकते हो, बट यार निकलो भाई, अंकल तो बाहर थे यार, इन्हीं अलग है भाई साहब। ऊपर जाने का कोई सीरी नहीं है, अपने काफ़ी ज़्यादा रूम को चेक कर लिया, बट एक बार यहाँ से चेक कर लें। यही गेट है जिसो के जो है सो उसको अंकल अपने आंटी को, चाहे जो भी हो अंकल हो या जो भी हो, उसमें छिपा के रखो अंकल। यहाँ पे ये देख रहे हो, अबे निकल 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 भाई, उस शीशा फोड़ के भी आ सकता है, उसका कोई ठीक नहीं है, बट वो आया नहीं है, आ चुका है भाई, वो आ चुका है। गाड़ी के पीछे छिपने से कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी खुलता है क्या गाड़ी? अबे बहन चोद तेरी नानी की, ऐसी की चात मारूं साले भौसरी के, चल वे लौंडे यार, पकड़ा गया यार। ये एक चीज़ ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते पकड़ा जाने के बाद।
मर चुके हैं, तो अब तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना है ऊपर जाने का। मुझे जैसे लग रहा है कि ये एक सीढ़ी का जरिया है जिसको कि अपने जा सकते हो ऊपर, वहाँ से फिर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे एक दो चीज़ का और ट्राई कर लेना, चारों साइड से घर देख लेते। ये शीशा पहले से फूटा है, ये तो अपने को समझ में आ गया। यहाँ से भी अपने ऊपर जा सकते हैं, बट यहाँ पे एक नॉट लगा है जिसके कारण नहीं जा पाएंगे। बट यहाँ पे कुछ ये सब चीज़ को पिकअप कर सकते हैं, देख रहे हो, ये सब चीज़ को अपने पिकअप कर सकते हैं। एक दो चीज़ को रख लेते, दो है तो ठीक ही रहेगा। अंकल वहाँ पे, देख रहे हो, अंकल यहाँ पे। अबे निकल भाई, शीशा फोड़ कर आराम से आ सकता है वो। भाई साहब यार, हर बार का नटंकी हो जाता है यार, सीन ही उल्टा पड़ जाता अपने ऊपर। अपने सोचते कूल बन के जल्दी से काम कर ले, बट यार इस बार निकल तो फास्टली में निकल, फास्टली में निकल, फास्टली में निकल यार। भाग 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 भाग, पीछे होगा, पीछे ही होगा, मुझे पूरा श्योर है कि श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ वो पीछे था। बट अंकल वहाँ पे, मुझे लग ही रहा था अंकल शायद रूम में जा रहे हैं। तब अपने को भी अपना काम कर लेना चाहिए, ज़्यादा रुकने का कोई सीन नहीं लगाना है। अबे भाई निकल 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 निकल, हो, अरे भाई साहब देख, अरे भैया 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 निकल जा यार। अंकल पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे यार, मैं कहाँ भागूंगा, कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। एक तो अंकल बहुत ज़्यादा पीछा पड़ चुके, थक जाएंगे। अंकल आप छोड़ो यार, मैं नौजवान हूँ, आपका आप बुढ़े हो चुके हो। एक चीज़ इस गेम का सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, अपने को अपना इससे ज़्यादा गति है, तेज़ है, मतलब अपनी इससे ज़्यादा तेज़ी में भाग सकते हैं। बट अंकल को थोड़ा सा जाने का समय देना चाहिए, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। अंकल वहाँ पर खड़ा होके कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बट अब चलते हैं। अबे यहाँ पे रुक, यहाँ पे रख इसको, फट से इस पे चढ़ भाई साहब, चढ़ने का मौका दो। अभी अपने चढ़ अपना। ओबे भैया, अंकल ने नहीं देखा ना, चलो भाई तो निकलना जल्दी से, अंकल जब नहीं देखे तब। ओबे निकल 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 निकल, का फेंक दिए जिसमें मेरा पैर फंस सकता है, बट इतना ज़्यादा टाइम अंकल को नहीं देना है। अबे ये ले, अब ये ले ये ले ये ले, अपने को ऊपर आ चुके हैं। अब अपने को, अबे नीचे नहीं देखना, नीचे देखो कोई गिर जाओगे। अपने को वहाँ पे चलना है, यहाँ से ऐसे करके छलांग लगाना पड़ेगा। अबे भाई साहब ये सही छलांग लगा दिया आपने। अबे 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 इस पे फेंका, ये शीशा भी फोड़ दिया। आराम से आराम से आ भाई, आराम से आ। ये देख लो यहाँ का सीन अलग है, ये अंकल का दांत है, इस दांत को उठा के सबसे फेंक। भाई डर लगता है अपने को इससे, इस सीन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फेंक यार इसको, इसको बाहर ही छोड़ दे, इसको उठा। अबे मैं तो पेंटिंग चुराने का धुन में था, और यहाँ पे तो भाई साहब एक तो दरवाजा का सीन बन चुका है यार। ओहो भैया, अब इसके अंदर कैसे जाऊँगा। आ गया भाई, आ गया, अब तो मैं चोर हूँ, चोर या कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चाबी मिला है, चाबी का क्या काम करेगा। यहाँ पे लगता है इसको शायद खोलने का मौका मिलेगा, अपने को लगता है ये शायद से इसको, ये तो भाई खुल जा अब। अरे भाई खुल यार, अबे ये खुलेगा कैसे भाई, ये गेट कब खुलेगा ये पता नहीं चल रहा। यहाँ पे तो की होल्डर था, तो ये एक मिनट, ये गेट खुलने में टाइम लग रहा भाई, नहीं खुला ना अभी तक। अपने को यहाँ पे ये लीवर को ऊपर कर दे क्या, ये लीवर भी ऊपर नहीं जाता भाई। ये चाबी कैसे खुलेगा ये गेट, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे देख रहे हो ये सीन था इस चीज़ का, अपने को यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। देख रहे हो यहाँ से निकलो भाई, इस रूम में कुछ अपने का मिलने वाला है नहीं। अपने को यहाँ पे एक चाबी मिल रही है, ये चाबी को उठाओ, ये गाड़ी का चाबी लग रहा है, गाड़ी का चाबी है। और यहाँ पे ये सब है, मतलब सोफ़ा वोफा अंकल का काफ़ी कूल है, बट अपने को यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी इस गेट होकर कुछ काम वैसे भी नहीं अपने को होने वाला है, तो ये गेट को खोलने का कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। बट अपने को नीचे चलना चाहिए यहाँ से, बट ये नीचे जाने का भी रास्ता नहीं है, तो अपने को फिर से यहीं से निकलना पड़ेगा भाई साहब। अबे बहनचोद ये लेना भाई। अपने तो गाड़ी का चाबी ले लिया, बट गाड़ी का चाबी शायद इससे खुले, मुझे जैसे लग रहा है। अबे खुल भाई, ये खुल गया ना, अपने को ये उठा लेना चाहिए। एक मिनट भाई, अब चल यहाँ से कूल बन के चल, आराम से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। अबे भैया यहीं पे तो था अंकल हमारे, सही यहाँ निकल जा यहाँ से शांति से। ये काफ़ी, ये क्या मैं लिरिक्स बना रहा हूँ, अबे भैया सही, अरे गेम के चक्कर में कुछ भी निकलता है मुँह से। भाई निकल अभी सबसे पहले यहाँ से शांति से, अभी ज़्यादा इधर उधर करोगे अंकल यहीं पर कोच देंगे, मतलब मार देंगे। कोचने का मतलब वही हुआ हिंदी, अपना थोड़ा सा वो अलग ही सीन चलता है। देख रहे हो अंकल, अरे आपके सामने, आपके नाक के नीचे, आपके टांग के नीचे, आप टांग के नीचे नहीं, आपके नाक के नीचे से मैं निकाल लिया ये आपका सामान, आपके ऊपर से आ गया घूम के। चलो मैं आपके सामने से, ओपे अंकल भी कहो ऐसे करके डराते का हो भाई। हाँ बताओ तुम ही, हम डरने वालों में से नहीं है, हम चोर आदमी है, चोर कभी किसी से डरता नहीं है। चलो अब थोड़ा सा कूल बन गए हैं, तो ये लो अब दिखलाते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बॉक्स को खोले क्या।
अबे ये इलेक्ट्रिक बॉक्स खुलने वाला नहीं है। अब अपने को यहाँ पे ये लिफ्ट भी, लिफ्ट का कुछ काम नहीं है, तार को काट सकते नहीं, ये मैग्नेट टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे इसी टाइप का कुछ काम करना पड़ेगा ना अपने को। यहाँ पे कुछ करना होगा, यहाँ पे इस होकर चाबी लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक चाबी है जिससे वो एक गेट था, उस गेट का चाबी निकालना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले कुछ बॉक्स को उठाओ। अबे इस बॉक्स को उठा लिया, अब यहाँ पे एक और बॉक्स को उठाओ भाई, एक और बॉक्स को उठाओ, अब निकलो यहाँ से। अब ये काफ़ी सही मुझे लग रहा है, बट अपने को यहाँ पे सही सलाह है लेकिन दूर है ना। यहाँ पे इसको पहले थ्रो करो, एक बॉक्स यहाँ पे पड़ गया, अब इसको उठाओ, ये अपना मैग्नेट आ गया, अब इसको लो। अबे भाई ये आ गया यहाँ पे, अंकल अभी तक नहीं आ रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पे काम करो, एक एक चीज़ को यहाँ पे डालो, एक मिनट आराम से डालो। अबे उठाना नहीं था, बार बार मैं एक ही चीज़ को कितना बार समझाऊँ, ये हो गया। अब इसको नहीं लो, इसको इस बॉक्स को लो, अब इसको फिर से इस पे डालो। अबे अब इस पे चढ़ो ऐसे करके, अबे इस पे चढ़ना है, कूदना नहीं है, इस पे आराम से कूद। अबे अब भाई साहब ठीक से अब इसको उठाना पड़ेगा, एक बार में जल्दी से ये चाबी आ जा भाई साहब। आके काफ़ी सक्सेसफुली मैंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया। अब अपने को रूम में जाना और उस ताला को खोलना है जो अपने को ताला व्हाइट कलर का दिखा था। बट पहले एक बार अंकल जी को देख ले और इस चीज़ को एक बार डाउन कर दे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है लाइट आने का इससे। अरे अंकल अंदर ही आ रहे भाई साहब, इससे पहले अपने को ले लेना पड़ेगा वरना फंस सकते हैं। लंबा चौड़ा इस होकर चलना भाई, इस होकर चल। ये है अपना भाई, सब चीज़ को देख के यहाँ से अंजाम को जाना पड़ता है। ये हो गया अपना गेट, इसी गेट को व्हाइट कलर का चाबी और व्हाइट कलर का ताला। ये भाई पीछे आ जा, चल आप चल आराम से। ऊपर में चाबी होगा, सॉरी ये रिंच होगा, इसको उठा। अब इसी रिंच से जो है ना वो नॉट खुलने का चांस है, बट अंकल के आने का पैर का आवाज़ हो रहा, शायद से पकड़ा जाने का चांस है। लेकिन जल्दी भाई, ये क्या मैग्नेट में कुछ भी आ जाता है यार, लगता है अंकल आ गया। अंकल अंकल सॉरी सॉरी।